नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने गणपति की तैयारी शुरू कर दी है। ये इको फ्रेंडली गणपति हैं जो मैंने घर पर ही बनाया है, और अब मैं इन्हें पेंट कर रही हूँ। देखने में बहुत ही मनमोहक इनकी सूरत लग रही है, और मैं सच कहूँ तो जो मज़ा घर पे बनाने में है, उनको सजाने में है, वो बाहर से लाने में नहीं आती। सही कहा ना। तो मूर्ति बनके मैं यहाँ पर मेरी तैयार हो चुकी है, और आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लग रही है। बप्पा तो बनके तैयार हो चुके हैं हमारे यहाँ पे, और अब इनके भोग की तैयारी भी हम कर लेते हैं। तो इनके भोग के लिए मैं बना रही हूँ इनका प्रिय मोदक, जो कि इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये मोदक थोड़ा अलग हटके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बनाते हैं बप्पा के लिए मोदक। मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 आम। ये पके हुए आम थे जिन्हें मैंने कट करके उनको ग्राइंड कर लिया है, और देख सकते हैं बिल्कुल फाइन प्यूरी बनके तैयार हुई है। आपको भी पके हुए आम लेने हैं, और कोशिश करिए जो मीठे आम हो वो ही आप लें। अब हमें गर्म करनी है एक कढ़ाई, और उसमें मैं ले रही हूँ 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट। यहाँ पर आपको कोकोनट पाउडर नहीं लेना है। गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे, और इसके बाद इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। इस सीज़न में अगर आपको मैंगो नहीं मिल रहे हैं तो उसकी जगह पे आप फ्रोज़न मैंगो पल्प भी ले सकते हैं। कोकोनट अच्छे से भून गया था तो मैंने उसे निकाल दिया है, और उसी बर्तन में मैंने डाल दी है मैंगो प्यूरी। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। अब देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से पकने लगा है। तो जब यहाँ पर हमारी मैंगो प्यूरी पकने लगे, उस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे 1 कप मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो उसकी जगह पे आप कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो घर में अगर मावा है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से पकाएंगे जिससे इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं हो। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने कोकोनट पहले से भून के रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे, और इसे भी मिला लेंगे। इस मिक्सचर को बहुत ज़्यादा आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना कि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, उतना ही। अब ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे शुगर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने मोदक की रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिक्विड कलर लिया है, अगर आपके पास पाउडर्ड कलर है तो उसको हल्का सा 1/2 चम्मच दूध में मिक्स कर लीजिए, और इसके बाद में मिक्सर में डालिएगा। तो सारी चीज़ें अच्छे से आप देख सकते हैं मिक्स हो गई हैं। इस मिक्सर को निकाल लेंगे हम एक प्लेट में, जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए। मिक्सर हमारा ठंडा हो चुका है, तो चलिए अब बनाते हैं मोदक। मोदक बनाने के लिए मैं यहाँ पर मोल्ड ले रही हूँ। ये एल्युमिनियम का मोल्ड है, आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। उसको घी से चिकना कर लेंगे। बार बार आपको घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ही करना है, उसके बाद ये आसानी से निकल जाएगा। इसमें अच्छे से जो हमने मिक्सर रेडी किया है उसको फिल करेंगे, और इसके बाद में ये देखिए मोदक बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों, हमारे मैंगो मोदक बन के तैयार हैं बप्पा के भोग के लिए, और इनका बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हैप्पी गणेश चतुर्थी।